एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है और इस वीडियो ब्रेक में हम बात करेंगे जमालपुर भागलपुर और मालदा रेलखंड पर इस रेल बजट में सबसे बड़ा तोहफा क्या मिला है। इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल कल हमने जब भागलपुर का रेल बजट को लेकर के अपडेट डाला था तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि जमालपुर का आखिर रेल बजट क्या है और क्यूल का रेल बजट क्या है। तो ऐसे में तीनों रेलवे स्टेशन का एक साथ सबसे बड़ा रेल बजट हम आज आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि पूर्व रेलवे मालदा रेलखंड की जमालपुर भागलपुर और किऊल के यात्रियों के लिए सबसे अच्छी खबर निकल के आ चुकी है। कुछ महीनों बाद यहां के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने का मौका मिलेगा। इस बार के रेल बजट में 2022 से लेकर 2023 के बीच में तत्काल प्रभाव से कोई नई ट्रेन नहीं मिली है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा। हालांकि इसका संचालन फरवरी से नहीं शुरू होगा, इसका संचालन अप्रैल से शुरू होगा। थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन इस बार के बजट में सबसे बड़ा तोहफा इस रेलखंड के यात्रियों को मिल चुका है। लंबे समय के बाद 2022 में सबसे बड़ा तोहफा यहाँ के लोगों को मिला है। अब आप लोग भी यहाँ से 10 घंटे में दिल्ली का सफर तय कर पाएंगे। भागलपुर से पहली ट्रेन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आगामी अप्रैल महीने से चलाई जाएगी, वाया भागलपुर जमालपुर क्यूल होकर चलेगी। इसके अलावा इस रूट पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी होने की खबर निकल के सामने आ रही है। उस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी भागलपुर रूट की प्रमुख रूटों में से एक है और साथ ही इस रूट पर पैसेंजर सफर करते हैं, जहां पर की लंबी वेटिंग ट्रेनों में रहती है। इस रूट पर ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के साथ साथ न्यू फरक्का एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेनें के रूप में चलती है। ऐसे में इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू करने से यहाँ के लोगों को एक सबसे बड़ा तोहफा 2022 में मिल चुका है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपको बता दें कि ट्रेन की क्या रहेगी खासियत, यह भी आप आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रैक को डिजाइन किया गया है और उसमें आरामदायक सीटें की व्यवस्था की गई है। इसमें सीट की संख्या ज्यादा रहेगी और साथ ही ट्रेन के 16 कोच में 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास के कार उपलब्ध रहेंगे, एवं चेयर कार में 78 सीट रहेगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास में 52 यात्री सफर कर सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि 4 लोग एक साथ यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही कई सारी सुविधाएं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में देखने को मिलेगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिसमें कि इस ट्रेन से रिलेटेड और भी जानकारी हम आपको दे सकेंगे।